हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय हनुमान मंदिर पे और दोस्त यहीं पर आया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्केट दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा मार्केट लगा है और काफ़ी भीड़ है। तो आइए, आपको चलिए चलते हैं और हनुमान मंदिर का दर्शन कराते हैं और यहाँ का आसपास का सीन दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, लगातार मुंबई से कमेंट आ रहा था कि भाई आप हनुमान मंदिर का सीन दिखाइए, वहाँ का आप आसपास का सीन दिखाइए, कैसा माहौल है। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाते हैं। तो फाइनली मैं वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और देख सकते हैं ये थोड़ा सा सीन दिखला दीजिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद वरसाद की दुकानें भी लगी हैं, तो उसको भी दिखा दीजिए आप थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छठ के लिए सामान यहाँ पे बहुत सारी लगी हैं, तो हर एक चीज़ आपको दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ पे भी दिखा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आसपास में काफ़ी मार्केट लगा है, वो हर चीज़ आपको दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं, ये है हनुमान मंदिर का आसपास का सीन। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छठ के शुभ अवसर पे मार्केट लगा है। यहाँ पे एक भैया थे, मुंबई से कमेंट कर रहे थे, बोले थे हमारी दादी रहती हैं, उन्हीं के परिवार में से हैं अंकल जी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बेच रहे हैं सामान, देख सकते हैं। तो डायरेक्ट चलिए चलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है कि आवाज़ मेरा आपको आप लोगों तक पहुँच नहीं जा रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर, आइए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अंदर और देख सकते हैं दोस्तों, ये हनुमान मंदिर का मेन गेट का सीन, और जैसा कि हमने गेट दिखाया अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पूरा कैंपस का सीन। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ का आसपास का सीन दिखाते हैं। जो छठ जो पूजा है वहाँ का सीन दिखाएंगे आपको, कैसा सजावट हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो को इन तक लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मंदिर खुल रहा है, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लगभग 2-3 वीडियो हनुमान मंदिर का बना चुका हूँ और यहाँ आसपास का सीन देख लीजिए। यहाँ पे दो नल है दोस्तों, जो एक खराब हो गया है और एक चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ धूप अगरबत्ती जलता है, टाइम टू टाइम झाड़ू वाड़ू भी लगता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग चप्पल निकाल सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा पूरा सीन। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है दान पेटी और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी मंदिर बंद है दोस्तों। तो दोस्तों, हनुमान मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ के पंडित जी हैं और यहाँ आसपास का सीन देख लीजिए आप लोग। मैं दर्शन कर चुका हूँ और दोस्तों, ये जो खुलने का टाइम है ये 2:30 बजे खुलता है, यानी 2:30 को, और यहाँ पर दर्शन आकर आप लोग कर सकते हैं। इसका टाइमिंग है दोस्तों सुबह ये भोर में 4 बजे से खुलता है। तो दोस्तों, मैं दर्शन करा चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं छठ बनाया गया है। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाला है, जो कि हनुमान मंदिर। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन। दोस्तों देख सकते हैं, अभी रंगाई पोताई हो चुका है और यहाँ पे झाड़ू उड़ू लग रहा है, और दोस्तों पूरा यहाँ पे सज करके रेडी हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं हर एक चीज़। तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए। बता देना चाहता हूँ, पूरा गेट के पास से ही पूरा छठ माता का बन चुकी हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सीन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो प्लास्ट बन रही है। और दोस्तों, ये जो तालाब देख रहे हैं दोस्तों, ये पोखरा, इस पोखरे में बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ सफाई नहीं था, लेकिन अब इस समय छठ के महापर्व पर इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया गया है, ताकि किसी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और साफ़ सुथरा रहना भी चाहिए दोस्तों, महापर्व है तो। और बाकी सीन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चूना उना मार दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग भी कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं यह तालाब का सीन,
देख सकते हैं ये है हनुमान मंदिर का सीन, और मैंने यहाँ का आसपास का काफ़ी आपको कुछ सीन दिखा दिया, दर्शन भी करा दिया और मार्केट का भी सीन दिखा दिया लगभग। और देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेला यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगता है दोस्तों, मेला में आप लोग आइए यहाँ पे जो भी देवरिया के लोग हैं। और देख सकते हैं दोस्तों धूप भी काफ़ी तेज़ है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ शादी विवाह के भी कार्यक्रम चलता है, तो यहाँ पे देखौके वगैरह भी होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मैं समय समय पर इसलिए अपडेट देता हूँ ताकि लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दूर तक छठी माँ का स्थान बना है, देख सकते हैं ये है देवरिया हनुमान मंदिर का सीन। दोस्तों इस रास्ते पे बहुत सारे मार्केटें लगी हैं, दुकानें लगी हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये छठी माता का स्थान। तो फ्रेंड बहुत ही ज़ोरदार तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगने वाला है दोस्तों, जैसा कि यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, अभी से ही तैयारियां ज़ोरदार तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे जो लाइट का व्यवस्था है वो भी ऑलरेडी हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक लाइट लगा है, और यहाँ पे भुकभुकिया लगा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं हर एक चीज़ आपको मैं अपडेट देने की कोशिश किया हूँ पहले से भी, और आज भी मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि नए नए चीज़ों को कवर करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ रैदास मंदिर है, यहाँ पर संत रैदास मंदिर सेवा समिति, जो कि यहाँ पर लोग आते हैं ठहरने ओढ़ने बैठने के लिए। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, जो कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं बैठते हैं, वो भी आइए आपको सीन दिखाई देते हैं यहाँ आसपास का सीन और लाइट उइट का। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। तो दोस्तों ये है रैदास मंदिर सेवा समिति, और यहाँ पे एक बरगद का वृक्ष, और पूरा मैं लगभग चारों तरफ का सीन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये था हनुमान मंदिर का सीन, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा मैं सीन दिखा दे रहा हूँ, रंग बिरंगी रंगाई पोताई हुआ है दोस्तों, पूरा दूर तक देख लीजिए आप लोग। ये है हनुमान मंदिर देवरिया का सीन, यहाँ पे एक बैनर लगा है दोस्तों, जो कि हार्दिक अभिनंदन के लिए छठ के महापर्व पे। कोई सभासद है हमारे? अच्छा, आरती देवी। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर का सीन पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अपना रंगाई पोताई चल रहा है छठ माता का, और यहाँ पे छोटे बच्चों को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो भी कचरा वचरा है उसको साफ सफाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो भी कचरा है उसको निकाला जा रहा है, उसको साफ सफाई किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे रस्सियों से बांध करके देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी एक मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सीन देख लीजिए आप लोग, यहाँ बहुत सारे मार्केटें भी लगी हैं, इस साइड भी छठ बना है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग मैंने आप लोगों को हनुमान मंदिर का चारों तरफ का सीन दिखा दिया, और यहाँ पे फिर हर समय में यहाँ हमारे साथ देते हैं संजय भैया, और इस बार क्या कुछ नया है हनुमान मंदिर पे, तो थोड़ा बताइए। आइए आगे आइए, शर्मा रहे हैं क्या भैया? नहीं एकदम नहीं। हाँ तो बताइए क्या कुछ नया हनुमान मंदिर पे लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही 10 दिन पूर्व ही तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। अच्छा अच्छा, और थोड़ा तेज बोलिएगा। कल शाम का अर्घ्य है। अच्छा, और परसों सुबह का अर्घ्य है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे काफी भीड़ लगने वाला है। बहुत बढ़िया भीड़, हर साल की तरह इस बार भी लगेगा। हाँ हाँ, नहीं पिछले साल कोरोना की वजह से कम ही लगा था। जी जी, इस साल ज्यादा लगेगा जी। तो दोस्तों ये थी कुछ संजय भैया जैसे बता रहे हैं, लगभग 10 दिनों से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं हनुमान मंदिर पे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए हनुमान मंदिर और मेला का आनंद लीजिए। तो दोस्तों ये था हनुमान मंदिर का वीडियो, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।